केंद्रीय ऊर्जा मंत्री नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस पर 14 दिसंबर को राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और एनर्जी एवं चेयरमैन अक्षय ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अन्य प्रदेशों के लिए राजस्थान की अनुकरणीय उपलब्धियों को देखते हुए स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ACS डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिशा निर्देश मार्गदर्शन और राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन और हाइब्रिड नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के क्रियान्वयन के से राजस्थान नवीनकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों के साथ ही ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों, कार्मिकों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस पर 14 दिसंबर को राजस्थान को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस पेट्रोलियम और एनर्जी चेयरमैन अक्षय ऊर्जा निगम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अन्य प्रदेशों के लिए राजस्थान की अनुकरणीय उपलब्धियों को देखते हुए स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, ये बड़ी उपलब्धि है ऊर्जा के क्षेत्र में, और क्या-क्या आगे उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं? कौन-कौन कंपनी यहां पर निवेश करेंगी? निवेशकों के लिए किस तरह से द्वार खुलेंगे? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से खासकर सोलर एनर्जी और जी इसके अलावा अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार जिन्हें आगे लेकर बढ़ रही है, जी सबसे बड़ी बात यहाँ है कि सरकार को ये अवार्ड जो राजस्थान को मिलने वाला है एक बड़ा अवार्ड इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवार्ड में राजस्थान इस दिशा में बढ़ रहा है इसको लेकर भी ये सबसे अहम बात है। और यहाँ पर जो अवार्ड मिलने वाला है इस अवार्ड को लेकर सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि राजस्थान ने जो कदम उठाए हैं उन कदमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और खासकर इस क्योंकि यहाँ पर सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं और खासकर सोलर और इसके अलावा जो अन्य बिजली जो योजनाएं हैं, एनर्जी और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार आगे बढ़ रही है। और वही वजह है कि जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री ने भी राजस्थान को जो अवार्ड मिलने जा रहा है भानु उस पर खुशी जताई है, और क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो कैसे प्रयास कर रही है जिससे एनर्जी के क्षेत्र में एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसी क्षेत्र में लगातार नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी राजस्थान की तरफ अवरूव कर रहे हैं। जी, देशवासियों को इसका कितना फायदा मिलेगा योगेंद्र? देखिए, इसका फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि सोलर ऊर्जा की यहाँ असीम संभावनाएं हैं राजस्थान में। जी, और आपने देखा पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से सोलर को लेकर सरकार ने बड़े 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 जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ MOU साइन किया है। आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है कि सोलर जितनी 12 से 15 हजार मेगावाट बिजली चाहिए थी उतनी सोलर से ही मिलना शुरू हो जाती है। फिलहाल 2500 से 3000 मेगावाट बिजली सोलर से मिल रही है और आने वाले दिनों में 12 से 15 हजार जितनी डिमांड रोजाना आती है उतनी डिमांड के अनुसार राजस्थान सोलर एनर्जी के हिसाब से एनर्जी गेन करेगा। क्योंकि और इसमें इतनी संभावनाएं हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान को इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र पंचोली आपका तमाम जानकारी के लिए।